गरीब और अमीर बहू की नवरात्रि। जय अम्बी गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बी गौरी। हे माँ दुर्गा, मेरे छोटे से परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। ललिता अपनी बूढ़ी सास सीता और बिस्तर पर पड़े पति मोहन के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी बिता रही है। 6 महीने पहले तक ये परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। मोहन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचता है और बाकी के दिनों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। मगर 6 महीने पहले वो नवरात्रि में बाजार से मूर्तियां बेचकर लौट रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है। मोहन की जान तो बच जाती है मगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तब से ललिता कोठी में खाना बनाने का काम करती है। अच्छा माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप और मोहन जी खाना खा लीजिएगा। ललिता बहू, एक दो रोटी तू भी खाती जा, तू पेट से है, ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। ये बोलकर वो गरीब बहू दिल ही दिल में कहती है, हे माँ दुर्गा मुझे माफ कर देना, अगर माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस गिनकर माँ जी और मोहन जी के लिए ही रोटियां बन पाई थी। अगर उसमें से मैं भी खा लेती तो फिर माँ जी को या मोहन जी को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। ललिता के काम पर पहुंचते ही अमीर घमंडी बहू कीर्ति उस बेचारी को बहुत सुनाती है। आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। क्यों री, आज कौन सा बहाना लगाएगी ललिता? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी क्लास सासू माँ ही अच्छे से लगाएंगी। सासू माँ, ललिता आ गई है। तभी प्रेरणा महंगी सी साड़ी पहने हुए वहाँ आती है। नमस्ते माँ जी। भाड़ में जाए तेरा नमस्ते, अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी? जल्दी से जाकर नाश्ता बना और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जी मालकिन। नाश्ता बनाकर ललिता मंदिर की सफाई करती है, तभी कीर्ति घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है, अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ से चमकना चाहिए। जी छोटी मालकिन। मंदिर साफ करने के बाद मालकिन से पैसे मांग लूंगी, अपने घर के लिए नवरात्रि का सामान भी तो लाना है। सफाई खत्म करके ललिता हॉल में आती है, जहां दोनों अमीर सास बहू एक साथ गद्देदार सोफे पर बैठी होती हैं। मालकिन मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। अरे मैंने तुझ गरीब की नवरात्रि का ठेका थोड़ी ही लिया है, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। मालकिन माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती हैं। यह सुनकर प्रेरणा की अमीर घमंडी बहू 20 रुपए का नोट गरीब ललिता के मुंह पर मारते हुए बोलती है, ये ले ये 20 रुपए उठा और जा मना ले इससे अपनी नवरात्रि। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखा इस 20 रुपए से नवरात्रि, मैं भी तो देखूं इस गरीब बहू की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। ललिता आंखों में आंसू लिए 20 रुपए लेकर बाजार आती है और एक ठेले वाले से हिचकती हुई पूछती है, भैया जी ये नारियल कितने का है? एक नारियल 50 रुपए का है। भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए है। एक ही दाम है बहन जी, रहने दो, ये नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। बेचारी ललिता उदास मन से बाजार से रोते हुए रास्ते पर चलने लगती है। मैं जानती हूँ माँ दुर्गा, आप अपनी इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही हैं। अचानक सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखती है। जय माता दी, आओ बेटी नवरात्रि का सामान खरीद लो, देखो नारियल चुनरी फूल सब है मेरे पास। मगर अम्मा मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए है। कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर ललिता खुशी से भरकर माँ दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ बहू जो तू नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? माँ जी उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अगर मैं ठीक होता तो मैं माँ दुर्गा की मूर्ति बना देता,
जाने कौन सी गलती की मैंने जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अजी ऐसा मत कहिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ देती है, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु है, देखना वो आपको जरूर ठीक करेंगी, मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। फिर वो गरीब गर्भवती बहू मिट्टी गूंथ कर उससे माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वो माँ को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं कि वो आपको पंचमेवे का भोग लगाए, जो है यही है। पूजा के बाद ललिता नवरात्रि का निर्जला व्रत कर काम पर आती है। आ गई तू, चल जल्दी से मंदिर में लाइट्स लगा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे, फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना और मैं सासुमा तैयार होकर आते हैं। गरीब ललिता भजन गाकर बड़ी ही खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू कीर्ति महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मेकअप करके मंदिर में आती है। मालकिन प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। कीर्ति नाक चढ़ाते हुए कहती है, ये प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई में व्रत वाला कूटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वहीं 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन हो जाते हैं। मालकिन मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि है, मुझे कंजक खिलाना है। तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा, काम करना है तो कर वरना छोड़ कर चली जा। सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं ये महंगी साड़ी और गहने पहनूं? कीर्ति बहू, ये साड़ी तो कल सुबह कंजक खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेल ले, जब मेहमान आएंगे तो वो महंगा लहंगा पहनना, लाखों का बनवाया है तेरे लिए। ललिता एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हैं तो उसे ले जा, वरना कल भी कंजक खिलाते समय ये फटी चिटी साड़ी ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर कीर्ति ललिता के गरीब होने का मजाक बनाती है। ललिता उदास मन से घर की तरफ चल देती है। हे माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं कल कन्याओं को कंजक खिला सकूं। घर पहुंचते ही ललिता देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? बहू, तूने ही तो उन बच्चियों से ये सारा भिजवाया है। ये सुनकर ललिता को समझते देर नहीं लगती कि ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा और कीर्ति के घर में सजावट के दौरान आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति के। नवरात्रि की सुबह ललिता हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ की आरती करती है। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुराद एक बार। मेरी माँ तेरे कंज के बिठाऊं हर बार, पूरी हलवा खिलाऊं हर बार, तेरी ज्योत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ मेरी माता रानी। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ हम अंदर आ जाए, आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ कंजक खाने आई हैं। अच्छा किया, आ जाओ। बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और टीका कलावा बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा। गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वहीं गरीब बहू उन्हें कंजक खिलाती है। थोड़ा और हलवा दूं? हमारा पेट भर गया। सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद वो बिस्तर पर पड़े मोहन के पास जाके आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी ललिता देखती है कि जहां जहां उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना होता है। और तभी मोहन भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है। माँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, देखो ललिता मैं ठीक हो गया। ललिता जमीन पर पड़े कन्याओं के पैरों के छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपनी इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई थी। ये गरीब ललिता की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी जिसका फल नवरात्रि पर माँ दुर्गा उसे धन धान्य से भर देती हैं। वहीं झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लेती हैं। गरीब स्कूल स्टूडेंट के लंबे हाथ।
जानवी फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल बैग लिए सड़क से पैदल जा रही थी। आज तो बहुत लेट हो गई, मैं किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। आंटी जी, मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए ना। ए चलहट भिखारी कहीं की, अपना हुलिया देखा है आईने में तूने? रास्ते की भिखारी लग रही है तू। आंटी आपको लिफ्ट नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मेरी गरीबी का इस तरह मजाक तो ना उड़ाइए। मुझसे जुबान लड़ाती है? पता नहीं इस दुनिया में गरीबों के साथ लोग ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। इधर वही महिला अपनी स्कूटी पर उसी गांव की एक स्कूल के बाहर आती है। उस महिला का नाम राशि था। तो ये है मेरा नया स्कूल, अब देखना कैसे मैं अपनी क्लास के नए स्टूडेंट्स को मजा चखाती हूँ। राशि स्कूल के अंदर आती है और 10वीं क्लास में चली जाती है। अंदर क्लास में सभी स्टूडेंट स्कूल का यूनिफॉर्म पहने बेंच पर बैठे थे। स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ तुम्हारी नई टीचर राशि। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे क्लास में जरा भी मस्ती शोरगुल पसंद नहीं है, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छड़ी से उसकी खूब पिटाई करूंगी। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। अरे पायल, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक लगती है। हाँ यार, पता नहीं, देखते हैं अब ये क्या करती है हमारे साथ। तभी उसी क्लास से बाहर जानवी आती है। तू यहाँ कैसे आई भिखारी? मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो तू भिखारी इस क्लास की स्टूडेंट है? मैं इस क्लास की नई टीचर हूँ। तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? टीचर जी, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तुझे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा, और स्कूल में इतना लेट आने पर तुझे सजा मिलेगी। चल हाथ निकाल अपना। माँ। तभी जानवी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। बड़ी जुबान लड़ा रही थी ना मुझसे, अब देखती जा भिखारी मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। चलो सबसे पहले इस क्लास के स्टूडेंट से अपना आज का जेब खर्च निकालती हूँ। तभी राशि सामने बैठे राहुल को बुलाती है। कितने पैसे है जेब में? टीचर जी 20 रुपए हैं। चल निकाल पैसे। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी राहुल अपनी जेब से पैसे निकाल कर अपनी टीचर राशि को दे देता है। चल अब अपने बेंच पर जाकर बैठ। ए तू आप। तभी रोहन आता है और वो अपनी जेब से 30 रुपए निकाल कर राशि को दे देता है। पायल, ये टीचर स्टूडेंट से पैसे क्यों ले रही है? पता नहीं, ये टीचर तो बहुत अलग और खतरनाक लगती है। इसी तरह से राशि एक एक करके सभी स्टूडेंट से पैसे लेती जाती है। अब केवल जानवी बची थी। टीचर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। भिखारी कहीं की, तेरे पास पैसे भी नहीं है? तभी राशि जानवी को बेरहमी से पीटने लगती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बेहद घबरा जाते हैं। जानवी, चल पैर दबा मेरे। और तुम सब एक बात कान खोल कर सुन लो, कल से जो भी पैसा तुम अपने घर से लाओगे वो सारा पैसा मुझे लाकर देना होगा, और अगर ये बात किसी ने किसी को बताई तो मैं उसे 10वीं में फेल कर दूंगी, समझे? चलो सब एक एक करके अपना टिफिन लेकर आओ मेरे पास। अपनी नई टीचर का बर्ताव और गुस्सा देखकर सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और सभी एक एक करके अपना अपना टिफिन लाकर राशि को देते हैं, और राशि बड़े मजे से एक एक स्टूडेंट्स का टिफिन खा जाती है। और जानवी बेचारी लगातार राशि के पैर दबाए जा रही थी। शाम का समय था। तभी जानवी अपने फटे कपड़ों के साथ घर आती है। वो अपने गरीब माता पिता कुलदीप उर्मिला के साथ रहती थी। कुलदीप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी जानवी को स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद कर दे सके। जानवी बिटिया, ये तेरे कपड़े कैसे फट गए? माँ, वो क्लास में बेंच में अटक गए थे। थोड़े समय बाद, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है, अगर मैंने किसी को टीचर के बर्ताव के बारे में बताया तो टीचर मुझे फेल कर देंगी। अगले दिन जब सभी स्कूल आते हैं तभी राशि फिर से यूनिफॉर्म ना होने से जानवी को पीटने लगती है और फिर से उससे अपने पैर दबवाने लगती है, और कल की तरह ही आज भी सभी स्टूडेंट से पैसे और टिफिन छीन लेती है। शाम का समय। अरे वाह, आज तो अपने क्लास के स्टूडेंट से 300 रुपए मिले हैं मुझे। चलो रोज रोज अपनी स्कूटी के पेट्रोल का खर्च तो निकल जाएगा। उसके बाद रोज रोज राशि क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही करने लगती है। एक दिन राशि जानवी को मार मार कर क्लास के बाहर निकाल देती है। तभी जानवी एक दरिया के पास आती है जहाँ पर उसे पीले रंग की बड़ी सी मछली दरिया के बाहर तैरती हुई दिखती है। उसके पेट में एक बड़ी सी लकड़ी घुसी हुई थी।
ये देखकर जानवी उस मछली के पेट से लकड़ी निकालती है और उसके जख्मों पर अपना कुर्ता फाड़कर बांध देती है। जानवी, तुमने मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुम मछली होकर बात कैसे कर रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जानवी, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं काफी समय से यहाँ तड़प रही थी, तुमने मेरी सहायता की। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तभी जानवी अपनी टीचर के सारे जुल्मों के बारे में उस जादुई मछली को बताती है। कोई बात नहीं जानवी, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। इसकी सहायता से तुम अपने दोनों हाथ जितने चाहे उतने लंबे कर सकती हो और अपनी टीचर को मजा चखा सकती हो। वो जादुई मछली जानवी को अपनी शक्ति देकर दरिया में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन जानवी स्कूल आती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है और राशि टीचर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी। इस टीचर ने हमें बहुत परेशान किया है ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, आह, कितनी जोर से मारा रे, आह। राशि गुस्से से खड़ी हो जाती है। किसने मारा मुझे लकड़ी से? हाँ, किसने, किसने की यह हरकत? क्या हुआ टीचर जी? मेरे मुंह पर लकड़ी से किसने मारा? लकड़ी से? पर हम सब तो यही बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, हमने नहीं देखा टीचर जी। राशि को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किसने मारा। इधर सभी स्टूडेंट्स जानवी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राशि सबसे पैसे लेती जाती है और सबके पैसों को अपने टेबल पर रखकर बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। तभी जानवी अपना हाथ लंबा करके वो पैसे झट से खींच लेती है और उन पैसों को क्लास की खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी राशि पीछे मुड़कर टेबल पर देखती है। अरे पैसे कहाँ गए? किसने उठाए टेबल से पैसे? सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हमने नहीं उठाए टीचर। मेरे साथ मस्ती, अभी एक एक करके सबकी तलाशी लेती हूँ और जिसके पास पैसे मिले तो उसकी खैर नहीं। राशि एक एक करके सबकी तलाशी लेने लगती है पर किसी के पास उसे पैसे नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर पैसे गए कहाँ? राशि परेशान होने लगती है। थोड़े समय बाद वो सारे बच्चों के टिफिन अपने टेबल पर रखकर उन्हें खाने लगती है। बड़ा शौक है ना टीचर जी को बच्चों के टिफिन खाने का, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। तभी जानवी को सामने दीवार पर एक छिपकली दिखाई देती है। ये देखकर जानवी अपना हाथ झट से लंबा करती है और उस छिपकली को पकड़कर सीधे राशि के पास टिफिन में फेंक कर अपना हाथ झट से खींच लेती है। जब राशि की नजर उस छिपकली पर पड़ती है, आह, अरे बाप रे, इस खाने में तो छिपकली है, इसका मतलब मैंने छिपकली मिला खाना खा लिया। आह, राशि चिल्लाते हुए बाहर भाग कर जाती है। अरे जानवी, ये कैसे किया तूने? ये टीचर को सबक सिखाने वाला मैजिक है, अब देखते जाओ सब कैसे मैं इस टीचर को इस स्कूल से भगाती हूँ। उसके बाद अगले दिन राशि बच्चों से टिफिन लेना बंद कर देती है। एक दिन राशि बोर्ड पर लिख रही थी, तभी पीछे बैठी जानवी अपने दोनों हाथ लंबे करके पीछे से राशि को जोर से चाटे मारती है। आ, किसने मारा मुझे? क्या हुआ टीचर जी, हम सब तो लिख रहे हैं। राशि फिर से लिखने लगती है। तभी जानवी फिर से अपने हाथ लंबे करके राशि को पीछे से चाटा मारती है। आ, कौन मार रहा है मुझे? टीचर जी, क्या हो गया आपको? आपके पास तो कोई नहीं है, फिर कैसे कोई मार सकता है आपको? राशि फिर से बोर्ड पर लिखने लगती है। तभी इस बार जानवी अपने हाथों से राशि के पीछे से बाल खींच देती है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे सिर के बाल किसने खींचे? राशि जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है तभी जानवी अपने हाथों को लंबे कर उस कुर्सी को खींच लेती है, जिसके बाद राशि धड़ से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। आ, मेरी कमर, आ। टीचर जी, क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं क्या आपको? ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आ, मेरा पैर, आ, अरे बाप रे, हाँ, ये क्या हो रहा है, कहीं इस क्लास में कोई भूत तो नहीं है, भागो यहाँ से। राशि दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स हंसते हंसते बाहर आते हैं। वाह वाह जानवी, क्या सबक सिखाया है तूने टीचर को। उसके बाद अगले दिन राशि ने उस स्कूल से अपना ट्रांसफर करवा लिया और अब जानवी की क्लास में एक अच्छा टीचर आ गया जो उन्हें मन लगाकर पढ़ाने लगा। ससुराल में पहला बच्चा। देखिए पंडित जी, यश के लिए तो कैसी भी काली पीली लड़की भी चलेगी,
मगर मेरा छोटा बेटा रोहन लाखों में एक है, तो उसके लिए गोरी चिट्टी और सुंदर बहू ही चाहिए मुझे। अरे आप बेफिक्र रहिए सुमित्रा बहन जी, आपके बड़े बेटे यश के लिए जैसी बहू आपको चाहिए वैसी एक लड़की है मेरी नजर में। ये रही उसकी फोटो, बड़े ही गरीब घर से है बेचारी। ठीक है पंडित जी, आप जल्दी से जल्दी शादी की बात आगे बढ़ाइए। थोड़े ही दिनों में यश की शादी गरीब गीतू से पक्की हो जाती है, वहीं रोहन की शादी पैसे वाली अमीर खानदान की बेटी पायल से तय हो जाती है। और फिर थोड़े ही दिनों में पायल और गीतू शादी करके ससुराल आ जाती हैं, जहां सुमित्रा सबसे पहले अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है। आजा मेरी प्यारी पायल बहू, अपनी गोरे सुंदर पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी मम्मी जी। वेल मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रोहन, मैंने तेरा और पायल बहू का कमरा रेडी कर दिया है, तू पायल को उसके कमरे में ले जा। जी माँ। और तू मेरी काली बहू, तू अब तक दरवाजे पर ही खड़ी है, अंदर आ। मगर माँ जी, आपने तो मेरा गृह प्रवेश किया ही नहीं, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। बस बस, ज्यादा खिटपिट मत कर और अंदर आ जा, वरना खड़ी रहे सारी रात। अपनी सास का ऐसा भेदभाव देखकर गरीब गीतू की आंखें आंसू से भर जाती हैं। फिर वो आंसू पोंछकर अपने पति यश के साथ कमरे में आ जाती, जहां जमीन पर एक चटाई बिछी होती है। ये क्या यश जी, इतने बड़े घर के बेटे होकर भी आप यहाँ सोते हैं, इस जमीन पर? हाँ गीतू, मुझे यही नींद आती है, वो क्या है ना, मुझे यही की आदत है। तो यही बात आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इतना तो मैंने भी देख लिया कि माँ जी का आपसे कुछ खास लगाव नहीं। ऐसा इसलिए गीतू क्योंकि मैं माँ का सगा बेटा नहीं, मगर मैं तो अपने पूरे दिल से सुमित्रा माँ को ही माँ अपनी मानता हूँ। मैं सिर्फ 5 साल का था जब पिताजी माँ को शादी करके घर लेकर आए थे, मगर इतने सालों में भी माँ मुझे अपना बेटा नहीं मान सकी, वो मुझे सौतेला ही मानती है। ऐसा कहते हुए यश के दिल में छिपा दर्द उसकी आंखों में आंसू बन कर बह जाता है। यश जी, मैं हूँ ना आपकी जिंदगी में, आप अकेले नहीं हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह गीतू उठकर सारा काम करके सबके लिए खाना बनाती है, वहीं पायल सुबह के 11 बजे कमरे से बाहर आती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ सुमित्रा की दोनों गोरी काली बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिस पर सुमित्रा अपनी गोरी बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से तो बहुत खुश होती है, मगर अपनी गरीब काली बहू के प्रेग्नेंट होने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, साथ ही घर के सारे काम भी उसी से करवाती। एक दिन गीतू हॉल में पोंछा लगा रही होती है, तभी पायल उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, मम्मी जी अपनी इस काली जिठानी को देखकर मेरा ना काला कट्टा खाने का बड़ा मन हो रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है पायल बहू, ये मेरी प्यारी बहू का ससुराल में पहला बच्चा है, तुझे जो खाने का मन हो मुझे बताना, मैं तेरे लिए अभी मंगवा देती हूँ। ए मेरी काली बहू, ये पूछा बाद में लगाना, पहले जाकर बाजार से मेरी पायल बहू के लिए काला खट्टा ले आ। ठीक है माँ जी, माँ जी मुझे 10-20 रुपए और दे दीजिए, मैं बाजार से कैरी खरीद कर ले आऊंगी, मुझे कई दिनों से कैरी की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी पता नहीं मेरी इस जली हुई उपली जैसी जेठानी का मुझे क्या जलन है, जब देखो मेरी देखा देखी करती रहती है। अरे ओ मेरी काली बहू, तेरे लिए मेरे पास एक भी चवन्नी नहीं, समझी, पड़ी आई कैरी की चटनी खाने, अब खड़ी खड़ी मेरी गोरी बहू को नजर क्यों लगा रही है, जा यहाँ से। पायल के साथ साथ गीतू का भी ससुराल में ये पहला बच्चा था, सुमित्रा अपनी गोरी गर्भवती बहू की तो हर फरमाइश फटाफट पूरी कर देती, मगर जब बारी गीतू की आती तो वो उसे बुरी तरह फटकारती, जिस कारण बेचारी गरीब गीतू मनमार कर रह जाती। गुजरते महीनों के साथ पायल और गीतू की प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे हो जाते हैं, तभी एक दिन पायल अपनी सास और पति के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है, तभी अचानक, आउच! क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो? रोहन, मेरे होने वाले बेबी ने किक किया। अरे तुम दोनों मियां बीवी अंग्रेजी में खिटपिट करते रहोगे या मुझे भी कुछ बताएगा कोई? माँ, पायल के अंदर से बच्चे ने लात मारी। क्या सच, मैं भी तो देखूं। जैसे ही सुमित्रा अपनी गोरी बहू के पेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी पायल चिढ़कर कहती है, मामी जी आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथ कितने गंदे हैं, प्लीज मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मत छूइए। उस दिन पहली बार सुमित्रा को अपनी बहू का ऐसा कहना बहुत खटकता है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है और समय के साथ दोनों को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। सासू माँ,
मुझे ना पिज्जा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। बस इतनी सी बात, वैसे बहू तुझे पता नहीं होगा कि मुझे पिज्जा बनाना आता है। अब देख, तेरी ये सास अपने हाथों से अपनी प्रेग्नेंट बहू के लिए एकदम स्पेशल पनीर पिज्जा बनाएगी। सॉरी मामी जी, मगर आपके बनाए पिज्जा और रेस्टोरेंट के पिज्जा में बहुत फर्क है। और सच कहूँ तो आप पिज्जा बना तो देंगी, मगर आपके काले हाथों से बना पिज्जा खाने में मुझे घिन आएगी, क्योंकि मुझे काले लोग पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा रोहन और मेरे जैसा गोरा हो। अपनी गोरी घमंडी प्रेग्नेंट बहू की इस बात से सुमित्रा की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू छलछला आते हैं। तभी गीतू कहती है, माफ करना देवरानी जी, मगर आज जिन हाथों से तुम्हें घिन आ रही है ना, उन्हीं हाथों ने तुम्हारे पति को सालों तक पालकर बड़ा किया है। यहाँ तक कि उसी माँ ने अपने खून से सींचकर 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पाला है और उसे दूध तक पिलाया है। बस करो ये बकबक और अपना ये फ्री का फोकट का ज्ञान मुझे मत दो। ये कहकर पायल कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों बहुओं को 9 महीने हो जाते हैं, मगर अब तक न पायल का घमंड कम होता है और न ही सुमित्रा अपनी गरीब बहू को अपनाती है, बल्कि वो बड़े ही धूमधाम से अपनी गोरी बहू की गोद भराई कराती है। ये ले मेरी पायल प्यारी बहू, ये तेरी गोद भराई का शगुन तेरी सास की तरफ से। मैंने तेरे लिए खास ही सोने का हार बनवाया है। थैंक यू माँ जी। मैंने खास तेरे लिए ये गोंद के लड्डू बनाए हैं। मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा ले बहू। पायल बिना लड्डू खाए वहाँ से उठकर सीढ़ी से अपने कमरे में जाने लगती है। तभी सुमित्रा भी अपनी काली बहू की गोद भराई में बैठा हुआ छोड़कर उसे पायल के पीछे पीछे आ जाती है। पायल बहू, तू थोड़ा सा लड्डू खा ले, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। सासू माँ, आपकी परेशानी क्या है? जब देखो अपना ये काला भद्दा सा चेहरा लेकर मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से च्युइंगम की तरह चिपकने चली आती है। मैंने कहा ना, नहीं खाना मुझे ये सब। अचानक से पायल के हाथ से उसकी सास को धक्का लग जाता है, जिस कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ऐसे में गीतू सुमित्रा के पास आती है। माँ जी आंखें खोलिए माँ जी, भगवान अब मैं क्या करूँ, यश और देवर जी तो घर में भी नहीं है, अब मुझे माँ जी को अस्पताल लेकर जाना होगा। जैसे ही गीतू अपनी सास को लेकर बाहर आती है, बहुत जोर के बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण यहाँ एक भी गाड़ी नहीं आ रही, वक्त भी बहुत कम है, क्या करूँ। अचानक गीतू को एक ठेला नजर आता है, जिस पर खींचकर वो बारिश में भीगते हुए अपनी सास को अस्पताल लेकर आती है। कोई है यहाँ मेरी मदद के लिए? डॉक्टर मेरी मदद कीजिए, ये मेरी सासू माँ है, इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, नर्स इन्हें संभालो। इसी के साथ गीतू की डिलीवरी पेन शुरू हो जाते हैं। वहीं सुमित्रा की जान भी बच जाती है और वो होश में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। माँ जी शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि अपनी बहू को कहिए, जो आपको समय रहते यहाँ ले आई। कहाँ है मेरी बहू? उनकी डिलीवरी हो रही है, आपको लाते वक्त उन्हें दर्द शुरू हो गया था। कुछ ही देर में गीतू एक बेटी को जन्म देती है। तभी सुमित्रा वहाँ आ जाती है। माँ जी ये लीजिए, मेरी बच्ची पर पहला हक आपका है। गीतू बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तेरे साथ सौतेलापन करती रही, फिर भी तूने मेरी जान बचा ली, वरना तो मैं कभी अपनी प्यारी सी पोती का मुंह देख ही नहीं पाती। इसके बाद सुमित्रा अपनी बहू के साथ घर लौट आती है, जहाँ पायल भी डिलीवरी के दर्द में तड़प रही होती है। सभी मिलकर उसे अस्पताल ले आते हैं, जहाँ वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। मगर अपने घमंड के चलते पायल अपनी सास के अपनेपन और प्यार को खो देती है, और इसीलिए कि गीतू रिश्ते की कद्र करती है, अब सुमित्रा का प्यार उसके हिस्से में भी आता है।